फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के मेंढा पाती गांव के रहने वाले मंजेश कुमार पुत्र कैलाश नारायण ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि 25 अगस्त को अपने गांव से दिल्ली जाने के लिए घर से छोटा हाथी गाड़ी से जहानाबाद जा रहा था, जहां लाहौरी सराय के पास एक अज्ञात चार पहिए वाहन से ओवरटेक कर दिया, जिससे मेरी गाड़ी अनियंत्रित होकर खेती में पलट गई, जिसके बाद कर सवार राहुल पुत्र सुखनंदन वे तीन अज्ञात लोगों ने मुझे जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे, जहां मेरे द्वारा शोर मचाने पर सभी गाड़ी में सवार होकर भाग गए, जिसकी लिखित शिकायत थाना में करने के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर एसपी साहब को इन लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की है। भैया मैं दिल्ली आ रहा था तो यहाँ पे कुछ लोगों ने राहुल ने जान से मारने की कोशिश की। मेरा दिल्ली का टिकट भी है, मैं दिल्ली से रहा था, छोटा हाथी हूँ, कोई साधन बस नहीं चल नहीं रही थी, तो इन्होंने मुझे लवरी सना के आगे ओवरटेक किया, गाड़ी बच गई, इन्होंने जैसे ही ओवरटेक किया तो गाड़ी खंडिंग चली गई, खंडिंग किनारे चली गई, उससे निकाल के इन्होंने मुझे निकाला है, गाड़ी से निकालने के बाद इन्होंने मारपीट शुरू कर दी है, मारपीट शुरू करने के बाद इन्होंने मुझे जैसे गाड़ी में डाला, मैंने वहाँ पर हल्ला मचाया क्योंकि मेन रोड था, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे, एक यही करीब तक पाँच छः मिनट तक ऐसे लोग मेरे प्रयास करते रहे, मेरे सारे कपड़े फट गए थे और इन्होंने मुँह मारक कोशिश की थी। कौन है ये? ये राहुल है, सालेपुर का, इनके पिताजी का नाम सुखनंदन है, गुंडा के आदमी मुझे जान से मारने धमकी दी है, अगर हमें तुझे जो करना है कर लियो जाके, मैं गाजियों में खरीद लूँगा। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ आए हुए थे आज आप? आज मैं आया हूँ फतेहपुर एसपी ऑफिस में। क्या नाम है आपका? मंजेश कुमार।